मॉर्निंग, सुबह के संडे सुबह के 9 बज रहे हैं और बाहर का वेदर देखो इतना बारिश हो रहा है, हालत खराब है। हम सोचे सुबह कहीं बाहर जाएंगे पर बाद में लगा के नहीं, थोड़ा ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेंगे देन विल हेड आउट। कोई मुझे रेस्पॉन्ड नहीं करे, खत्म नहीं। चाय या पानी पी रहे हो भाई? प्यासे, चाय के प्यासे लोग थे। रिपीट चलेगा क्या? ओके, लेट देम एंजॉय टी। खाना आएगा तो मैं भी ऐसे ही खाऊंगी, मुझे भी भूख लग रही है। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी ब्रेकफास्ट आ चुका है और होम्स रूम सर्विस हुआ है ब्रेकफास्ट, आप देख सकते हैं। और ये हमने कल बोला था कि हमें पूरी और क्या था, इडली चाहिए, इसीलिए। और सुमित का एनर्जी अभी इतना है क्योंकि 2 कप चाय पी ली। 3 कप पूरी है और ये सब होममेड है, ये वो कहीं से खरीद के लेकर नहीं आए, वो घर में बना के। तो क्या खरीद के लेके आए? मुझे क्या पता, मैं देखी नहीं इसीलिए मुझे पता नहीं। ठीक है, हमें ब्रेकफास्ट एंजॉय करते हैं, फिर दिन में चाय चुका। 4 लोगों के लिए 3 पूरी कैसे हो सकता है? मैं पूरी नहीं खाऊंगा। नहीं खाओगे? ओके। नहीं, ये बाहर का ही है, बाहर का, क्योंकि ऐसा पैकिंग बाहर से ही आता है, ये बाहर से ही लेके आए, इसीलिए वो बोल के लेके आए। सॉरी, जितना चाहिए उतना। चलिए इडली खाते हैं, फिर मिलते हैं बाद में। रेडी हो गए बाहर जाने के लिए। बाहर धुआंधार बारिश हो रही है और बहुत अच्छा व्यू भी है। और ये एक इंसान है 15 मिनट गाड़ी में ऐसे ही बैठा है सोच सोच के। जाएंगे नहीं। ये व्हाइट बूथ बाहर।
चले दोस्तों, हम लंच करके यहाँ पर फिशलैंड फिशलैंड ही है इस रोड पे। लंच ठीक था या लंच ट्रिप बहुत अच्छा था। इसके बाद और कुछ है नहीं, अभी सब थके हारे बैक टू होम ऑन द वे। ये फोन में लगा है अभी तक, वो बिल देख मैंने में लगा फोन नहीं देख रहा। अच्छा अच्छा सॉरी, बिल देख रहा है। अभी घर चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। इतनी एनर्जी थी लसु में।